हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बायोलॉजी क्लास में आप अध्ययन करेंगे शिलान्यास वेरिएशन। शिलान्यास क्या है? शिलान्यास क्या है? पिछली बायोलॉजी क्लास में पर्ण की संरचना का अध्ययन किया था, जिसमें ये पर्ण है और इस पर्ण की संरचना में ये मध्य सिरा, ये पार्श्व सिरे हैं, मिडरिब है जिसे मध्य सिरा बोलते हैं, ये सिरे हैं और इनसे निकलने वाली ये हैं श्रीकाएं। तो हम कह सकते हैं शिलान्यास क्या है कि पर्ण फलक में पूरा पर्ण फलक है, पर्ण फलक में मध्य सिरा, सिरे व श्रीकाओं के विन्यास को क्या कहा जाता है? शिलान्यास। तो आज हम इसी शिलान्यास की बात करने जा रहे हैं, जो सिराए एक पर्ण का कंकाल बनाती है, एक ढांचा बनाती है। तो इसी शिलान्यास की हम बात करेंगे। शिलान्यास के दो प्रकार हैं। नंबर एक जालीगांव रेटिकुलेट, जालीगांव शिलान्यास, जालीगांव शिलान्यास। नंबर दो समानांतर शिलान्यास। नंबर दो होगा समानांतर शिलान्यास, समानांतर शिलान्यास, शिलान्यास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जालीगांव शिलान्यास क्या है। जब पर्ण फलक में सिराए श्रीकाएं मिलकर एक जाल बनाती हैं, तो उसे जालीगांव शिलान्यास बोलते हैं। इसके दो प्रकार हैं। नंबर एक, एक सिरे जालीगांव शिलान्यास। एक सिरे जालीगांव शिलान्यास क्या है, जिसकी संरचना को हम एक पर्ण के माध्यम से देखेंगे। इस प्रकार के शिलान्यास में मुख्य शिला एक होती है तथा इससे अनेक पार्श्व सिराएं निकलकर, या अनेक पार्श्व सिराएं निकलकर एक जाल सा बनाती है, एक जाल सा बनाती है, जिसे कहा जाता है एक सिरे जालीगांव शिलान्यास। यानी जालीगांव शिलान्यास होता है जो द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। एक सिरे जालीगांव शिलान्यास का उदाहरण है कि जैसे आम है, पीपल है, इनके अंदर एक सिरे जालीगांव शिलान्यास पाया जाता है। नंबर दो बहुसिरे जालीगांव शिलान्यास। इस प्रकार के शिलान्यास में क्या होते हैं कि ये पर्ण है और इसमें ये पर्ण ग्रंथ है, इस पर्ण ग्रंथ के अंतर्भाग से अनेक सिराएं निकलती हैं और ये सिराएं निकलकर एक जाल सा बनाती हैं, ये जाल सा बनाती हैं जिसे बहु सिरे जालीगांव शिलान्यास बोलते हैं। और ये बेर है, दालचीनी है, झीनिया है, इसके अंदर पाया जाता है बहुत सी जालीगांव शिलान्यास। तो ये जालीगांव शिलान्यास समझ चुके हैं, द्विबीजपत्री पादप में पाया जाता है और इसमें सिराए और श्रीकाएं मिलकर क्या बनाती है, जाल सा बनाती है। नंबर दो समानांतर शिलान्यास, यानी इसमें पर्ण फलक में सिराए और श्रीकाएं एक दूसरे की क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। इसके भी दो प्रकार है। नंबर एक, एक सिरे समानांतर शिलान्यास। इस शिलान्यास में क्या होता है कि मुख्य सिरा एक होती है और अनेक पार्श्व सिराएं
निकलकर एक दूसरे की क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है, जिसे कहा जाता है एक सिरे समानांतर शिराविन्यास। केले में होता है, केला में एक सिरे समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है कि मुख्य सिरा एक होती है, अनेक पार्श्व सिराएं निकलकर एक दूसरे की क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है, जिसे कहा जाता है एक सिरे समानांतर शिराविन्यास। नंबर दो है बहुसिरे समानांतर शिराविन्यास। इसमें क्या होता है, इस शिराविन्यास में ये पर्ण है और इसमें ये पर्ण ग्रंथ के अग्रभाग से अनेक सिराएं निकलती हैं और ये सिराएं होती हैं जो एक दूसरे की क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती हैं, जिसे कहा जाता है बहुसिरे समानांतर शिराविन्यास। अर्थात ये नारियल में पाया जाता है, इस प्रकार का शिराविन्यास होगा बहुसिरे, एक प्रकार से किस में पाया जाता है, नारियल में। ये होता है केले में प्रेजेंट होता है, तो समानांतर शिराविन्यास एक बीज पत्री पाद में पाया जाता है। अर्थात इसमें सिराएं होती हैं या मध्य सिराएं होती है, पार्श्व सिराएं होती है, एक दूसरे की क्या होती है, समानांतर होती है, धराएं जो आप देख रहे हैं समानांतर है। और इसके अंदर क्या बनाती है, जाल बनाती है, इसमें जाल बनाती है और इसमें क्या होती है, समानांतर होती है। तो ये वेनेशन शिराविन्यास है। इससे आगे अगली क्लास में बात करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।